चलो छोड़ो, कंट्रोलिंग देखो सबसे पहले। कोई बच्चे ऐड ही नहीं हुए हैं अब, हुआ है कोई? दिसंबर में है ना, तो दिवाली के बाद रिवीजन कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। फर्स्ट सितंबर दिसंबर से है ना? हाँ, तो दिवाली के बाद रिवीजन कराएंगे तो 15 डेज 20 डेज बहुत है, पूरा नहीं होगा, अभी कंट्रोलिंग चल रहा है, हो जाएगा कराएंगे तो। ठीक है चलो स्टार्ट करो। कंट्रोलिंग क्या है सबसे पहले? मैनेजरियल कंट्रोलिंग कंट्रोल। चलो कीप क्वाइट। कंट्रोलिंग सबसे पहले देखो, चैप्टर 8 है कंट्रोलिंग चैप्टर। बात नहीं करना है धनंजय, अभी मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी, एक भी नहीं आएगा तुम लोगों को, इतना सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं 1 to 7। आता है एक भी चैप्टर मुझे बताओ? ऑनवर्ड्स में भी नहीं बता पाओगे, तो थोड़ा सुन लो जब आ रहे हो। रेगुलर 3 दिन में नहीं पढ़ते, रेगुलर आके क्या करोगे? आ रहे हो तो उसका कुछ फायदा मतलब होना चाहिए ना पढ़ने का, ना कॉपी बनाए ना कुछ, नहीं तो मतलब क्या है? 10 क्वेश्चन रोज देंगे रेगुलर, लिख के लाओ पहले तो आने का मतलब है, सिर्फ घूमने आने से मतलब नहीं। कोरोना में भी इतना खतरनाक, अगर पढ़ते हो तो रेगुलर आने का मतलब है। अगर डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, 10 क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से याद कर रहे हो, तो सोचो महीने में तुम्हारा कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से 300 क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो जाएंगे याद होना। तो क्या 300 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाओगे क्या आराम से? दोनों अगर आप बात के भगा दूंगी बात। अब मैं पूछी कि व्हाट इज कंट्रोलिंग, क्या होता है? क्या किसी भी चीज को कंट्रोल करना, बिजनेस में, बिजनेस पर्पस पे हमको बताना है ना। मीनिंग यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कुंज का ना, मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ अगेंस्ट द स्टार्टेड एंड द फोर करेक्शन ऑफ द ड्यूरेशन एज पर अटेंडेड एंड अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, देखते हैं ना कि हमने क्या परफॉर्मेंस किया, मतलब कैसा है। कंट्रोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इज अ कंसर्न विद वेरीफाइंग वेदर एक्शन आर द। देखो हमने कोई काम स्टार्ट किया है, हमने प्लानिंग किया था, प्लानिंग किया मैनेजमेंट में, ये सबसे लास्ट फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट। वो तो उसके अंदर के पार्ट हो गए, मेन मैनेजमेंट का सबसे लास्ट पार्ट है हमारा ये। सबसे फर्स्ट क्या था? फिर फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, यही लास्ट है, यानी कि हमने प्लानिंग कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग में हमने क्या किया, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग कर लिया।
प्लानिंग करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज भी किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने क्या किया, स्टाफिंग किया, कलेक्ट किया बिजनेस में, उसके बाद उनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया। अब कंट्रोल करने का ये मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन दिया है क्या वो सही में उन लोग वही कर रहे हैं कि नहीं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, सिर्फ कंट्रोल करके रखना नहीं, उनको देखना है क्या हमने जो वर्क दिया है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, अनसर्टेन होता है ना। बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर दोगे, क्या दोगे, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट अगर पूछा जाता है तो। बिजनेस इन्वायरमेंट, हाँ क्या लिखोगे, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी, तुम लोग आए थे तो, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। जो हम साइंस में इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे सराउंडिंग आसपास। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस के आसपास का वातावरण यानी इन्वायरमेंट। क्या बिजनेस वहां पे सुटेबल है, चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कोई भी फैक्ट्री डाल दिया क्या वो चलेगा वहाँ। हमको वहाँ के आसपास की इन्वायरमेंट को भी तो देखना पड़ेगा ना कि कैसा है। हम घर भी जब खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो क्या देखते हैं, सन्नाटा देखते हैं क्या, खाली ऐसा बस एक हमारा घर हो ऐसा देखते हैं। इन्वायरमेंट बहुत इजी मीनिंग दिया है, कैसा देखते हैं, हम लोकेशन देखते हैं ना कि आसपास में स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, शॉप है, दुकान है, ये सारा चीज देखते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सारा चीज देखते हैं ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट पे भी बहुत आगे चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे नेसेसरी एक्शन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे लास्ट है जो फंक्शन है, सबसे लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग, जिसमें मीनिंग बहुत सारी यहाँ पे दिए हुए, डिफरेंट डिफरेंट हेनरी सियोल का दिया हुआ है, इन एन अंडरटेकिंग कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाई, मतलब हम जो वर्क हो रहा है उसको हम वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन की हमारा वर्क सही में अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको देखते हैं ना, ठीक है, उसको देखते हैं कि हमारा जो हमने बिजनेस में कोई वर्क किसी को दिया है। अभी जैसे मैंने आप लोग को वर्क दिया है, अब मैं इसको छोड़ दूंगी ऐसा नहीं, जब आप लोग आओगे तो मैं पूछूंगी ना कि वो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था क्या आपने लिखा कि नहीं लिखा है, याद किया कि नहीं किया। अब इसको मैं अगर फ्री छोड़ देती तो तुम लोग तो वैसे ही वो नहीं करोगे, इसी चीज को मैं कंट्रोल करके रखूंगी, नहीं मुझे 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हो तो 10 क्वेश्चन याद करके आना है, लिख के आना है, तो ये परफॉर्मेंस हुआ ना कि हाँ सही में आप लोग आ रहे हो, आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम आए वहाँ 3 घंटे आए बक बक करके चले, ऐसा नहीं, हमने 5 क्वेश्चन दिया, एकदम डिसिप्लिन में याद करके आ रहे हो, लिख के ला रहे हो, तो ही फायदा है ना। यही चीज करना, अगर रेगुलर भी आ रहे हो तो जो 10 क्वेश्चन है उसको एकदम सीरियसली पढ़ के आओ, तो फिर बिजनेस कोई हार्ड सब्जेक्ट है ही नहीं, सबसे ईजी है 12th का सब्जेक्ट। अब वो नहीं लिख पाते वो सिर्फ प्रॉब्लम है। फिर करेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस है, तो करेक्टरिस्टिक नेचर और फीचर तीनों एक ही होते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो राइट द करेक्टरिस्टिक या नेचर या फिर फीचर, तीनों एक ही होता है। इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है तुम्हारी बुक में, पेज नंबर 145 निकालो, बहुत अच्छा मीनिंग दिया है। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिंग एक्शन। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंप्रेजेशन ऑफ एक्चुअल, जो मैंने लिखा उसमें नहीं दिया, परफॉर्मेंस विच प्लान, यानी कि हमने जो प्लान किया है क्या वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसको चेकिंग और रीजनिंग, मतलब उसका रीजन निकालना। पहले तो हम देखेंगे कि सही में वो वर्क हो रहा है कि नहीं, जो इम्प्लॉय है वो वही काम कर रहे हैं कि नहीं, चेकिंग करने के बाद हम उसका रीजन निकालेंगे ना क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। यानी मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, तुम लोग को याद क्यों नहीं हो रहा है, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, ये है ना अपने आप से क्वेश्चन करना। वैसे ही अगर बिजनेस में मैंने वर्क दिया इम्प्लॉय लोगों को तो वो करने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है, तो मैं चेकिंग तो कर लिया मैंने कि हाँ सारे इम्प्लॉय काम कर रहे, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा है,
तो उसको और हम आगे कोशिश करेंगे ना कि इनको नए नए टेक्निक बताए, नया तरीका बताए, उसके हिसाब से वो उसको और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। समझ आया? देखो यह एग्जांपल दिया है, ये ड्राइंग दिया है, फॉलो करो, बताओ क्या है वो। देखो हम मेन रोड में कितने सारे रोड होते हैं, फोर होते हैं लाइन, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस कैसे करता है उसको, सिग्नल को पूरा बताता है ना कि आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ये पूरा तो कंट्रोल करके रखा है। सोचो एक अकेला पर, तो यही चीज हर किसी को जल्दी रहता है, कोई रुकता है क्या? एक निकला तो दूसरा सब चालू हो जाता है। तो वही चीज बताया है, कंट्रोल कन्वेंट ट्रेवलिंग, यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसको तुम लोग एग्जाम में भी बना सकते हो ड्रॉ। जरूरी नहीं इतने सारे ही जैसे बनाए, लेकिन तुम यहाँ पे चौक बना सकते हो, सिग्नल बना सकते हो। सिग्नल है कि कैसे, एक सिग्नल से भी पूरी गाड़ी रुकती है, देखे होगे जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता है वहां पे सिग्नल से ही वो वहां रुकता है, ऑन हो रहा है तो जा रहा है। तो ये क्या है, कंट्रोल पावर है कि आपको कैसे वो कंट्रोल करके रखता है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव भी मैं इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, मतलब एक क्वालिटी होती है हर चीज को करने का ढंग। कोई किसी चीज को ऐसी लिख दे रहा है, कोई उसी चीज को बहुत अच्छे से लिख के दिखा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना मतलब यही चीज है। कोई एकदम ऐसी कुछ भी पहन के चला जा रहा है, कोई बहुत अच्छे से जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर क्या है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत इजी पॉइंट है ये। क्या होता है इसका मतलब, परफॉर्मेंस को मेजर करना, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो ऑलवेज टाइम अनसर्टेन होता है, एक जैसा नहीं होना। जैसे आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल भी जरूरी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, आज परसेंटेज अच्छा है जरूरी कि कल भी उतना ही है, नहीं होता। और सर्टेन मतलब एक जैसा, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी लिमिटेशन है कंट्रोल का, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सपेंसिव, प्रॉब्लम, रेसिडेंस, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये प्रोसेस दिया हुआ है, कंट्रोल का पूरा मीनिंग है। देखो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए सबसे पहले, सूटेबल। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो काफी कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया, ये आप करोगे ये आप करोगे, लेकिन उसको आता ही नहीं है। किसी को भी मैंने बैठा दिया, ठीक है, वो मेरे पहचान का, मैंने बैठा दिया, ऐसा नहीं। सिंप्लिसिटी है, ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारा है, प्रोसेस है। प्रोसेस में देखो यहाँ पे गोल दिया सबसे पहले, फिर कंट्रोलर है। ये सब आप लोग एग्जाम में बनाना। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आना ही है। मेथड ऑफ कंट्रोल है, ये लेट रही होगी वहां से दिख रहा हूं कैमरे से, इधर बैठो। मैं जब चले जाऊं तो बोलना। रेगुलर आते तो बोलने में भी अच्छा है ना।
रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देखो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल. पहले प्लानिंग है, एक्शन, फिर कंट्रोलिंग. पूरे चैप्टर को रीड करो, जो डाउट है पूछो. हाफ ईयरली में 1 to 7 लिखो, क्वेश्चन लिख के लेके आना नेक्स्ट क्लास में, और याद करके आना. गिव एनी 4 डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल. Give any 4 definition हो गया. Discuss type of standard. Discuss type of standard. Explain main 3 method of control. कितना हो गया? मेथड ऑफ कंट्रोल कितने क्वेश्चन हो गए? एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल. What is direction? What is direction?
एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. चैप्टर 7 लॉन्ग का फर्स्ट है. हो गया. अब कंट्रोलिंग का पूरा चैप्टर पढ़ो, यहाँ से लेके रीड करो, उसके बाद जो डाउट है वो पूछो. तुम लोग भी 5 क्वेश्चन लिखो. स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वही वाला स्टैंडर्ड. हाँ उसी चैप्टर का ही है वो. इस 5 क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है. गिव एनी 4 डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, डिस्कस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन मेन मेथड, 3 मेथड ऑफ कंट्रोल, करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 5, व्हाट इज डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. यस या नो? कुलसम, निशा, प्रीति, रेशमुख, रवीर. यस मैम. यस मैम. कोई डाउट है कंट्रोलिंग चैप्टर में? डेफिनेशन देखो, मीनिंग देखो. इसके इम्पोर्टेंस है. दो दो डेफिनेशन हर एक के चैप्टर का याद कर लेना. जैसे राइटर्स. चलो 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट याद करो, मैं बता रही हूँ लिखना है तो. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंड.